साथ में मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कितना क्रिस्पी और करारा बना हुआ है। आज मैं लेकर के आई हूँ आलू पापड़ बनाने की बहुत ही आसान तरीका। इसमें ना ही बेलने का झंझट रहेगा और ना ही धूप दिखाने का, इसको आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। साथ में ये बहुत ही तीखे और चटपटे बनेंगे। नमस्ते दोस्तों, आलू पापड़ बनाने के लिए ध्यान रखें कि हमेशा आलूओं को जो एक सफ़ेद वाली आलू आती है उसी को ही लें, इसके पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के 2 से 3 सीटी उबाल लेंगे। आलूओं को बहुत अच्छे से उबालना है, तो देखिए बहुत अच्छे से ये आलू उबल गए हैं, छिलका इनका हटा लेंगे। सारे आलूओं को मैंने छील लिया है। आलूओं में गुठलियाँ ना रहें इसकी वजह से आप ग्रेटर ले लें, जो भी हो, या मैसर, आप जिस तरह से आपको अच्छे से मसलना है, मतलब उस तरह से करें। तो इस तरह से करेंगे ना तो बिल्कुल गुठली नहीं आएगी, बिल्कुल बारीक सा ये होगा। तो इस तरह से हमने कर लेना है। और बहुत उबला हुआ आलू है तो बहुत इजी हो जाता है। आलूओं को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये थोड़ा ही नमक लेता है, तो 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। 1/2 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरैल, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च जो कि कुटी हुई है, इसको डालिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा पापड़ में आएगा। साथ में 2 चम्मच लाल वाली मिर्च है, आप लाल मिर्च की जगह कुटी हुई है हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ढेर सारा धनिया का पत्ता डाल दें और 2 चम्मच इसमें तेल डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को हाथों से मिक्स करना है। पापड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं लेकर के आई हूँ, जिससे पापड़ आपके बहुत ही पतले और ट्रांसपेरेंट बनेंगे। हाथों में आयल लगा लेंगे और आलू मिक्सर में से थोड़ा थोड़ा लेकर के हम इनका गोल गोल बना लेंगे। तो कुछ इस तरह के गोले मैंने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। आलू पापड़ बनाने के मैं 3 तरीके बताऊंगी। तो एक ऐसे गोल मैंने लोइया ले ली है और इस पर आयल जरूर आप लगा लें और पॉलिथीन पे रख लें। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसमें बेलने का कोई झंझट नहीं रहता है। और एक आप ऐसा थाली छोटा सा ले लें और इसको ऐसे प्रेस कर लें, देखिए सट से कैसे हो गया कुछ सेकंड में ही। इनको निकालना भी बहुत इजी है। अब इसको हम दूसरे पॉलिथीन पे पलट देंगे। फ्रेंड, चकले पे हम एक पॉलिथीन लगा लेंगे और आयल ज़रूर लगाएंगे, जिससे निकालने में आसानी होता है। और इसको आप उंगलियों की हेल्प से ही आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से बन जाता है, ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का। तो मैंने थोड़ा बड़े बड़े पापड़ बनाया है, आप अपने हिसाब से साइज में छोटा या बड़ा बनाएं। और तीसरा तरीका ये है कि एक चकले पर पॉलिथीन को ले लें और पॉलिथीन को पलट देना है और एक बेलन से इसको ऐसे ऐसे फैला लें, ये भी बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। रोटी की तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दें। इस तरीके से आप इसको पंखे के नीचे सुखा सकते हैं, अगर आपके यहाँ धूप की ना व्यवस्था हो तो पंखे के नीचे सुखाएं। फ्रेंड, मैंने सारे पापड़ रेडी कर लिए हैं, अब इनको सूखने के लिए छत पे हम छोड़ देंगे दिन भर के लिए। पापड़ बहुत अच्छे से सूख गए हैं, मैंने इनको 1 से 2 दिन तक धूप में बहुत अच्छे से सुखाया। इससे क्या होता है कि पापड़ है ना आपके ख़राब नहीं होंगे जब अच्छे से पापड़ सूख जाएंगे, तो इसलिए धूप ज़रूर पापड़ को अच्छे से आप दिखाएं। और देख पा रहे होंगे कि कहीं से भी पापड़ ना ही टूटा है, कहीं से भी किसी तरह से टूटा भी नहीं है और बिल्कुल एक तरह से हुआ है। तो चलिए मैं एक फ्राई करके आपको दिखा दे रही हूँ। साथ में एक बार बना लें, सालों स्टोर करें। इस तरह से बनाएंगे पापड़, तो ये तीखे चटपटे और कुरकुरे तो बनेंगे ही, साथ में ट्रांसपेरेंट भी बनेंगे और ना ही ये कहीं से टूटेंगे ना ही कहीं से फटेंगे। पापड़ को जब भी तलें तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट गैस पे भी सेक के खा सकते हैं।
आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा बना हुआ है पापड़। थैंक यू। साथ में मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कितना क्रिस्पी और करारा बना हुआ है।